अस्सलामुअलैकुम। तो आज जा रहे हैं हम लोग बगबैन की सर्विस करवाने। फर्स्ट सर्विस है बगबैन की, तो पता नहीं क्या क्या कॉस्टिंग होगी, कितना हमें पे करना है, कितना कंपनी बेयर कर रही है। तो मैं आपको बताता हूँ सारी चीज़ें, मैं आपको एंड में बिल भी बता दूंगा, बिल भी शो कर दूंगा कि क्या क्या अमाउंट हमने पे किया है। एंड मोस्ट प्रोबेबली जहाँ तक मुझे पता है कि सिर्फ इंजन ऑयल का पैसा होता है वो देना पड़ता है, बाकी चीज़ें तो उसके अंदर ही होती है सारी चीज़, ठीक है। मुझे ये भी देखना है कि ये लाइट वगैरह लगवाने के बाद में हमारी सर्विस वारंटी में रहती है या नहीं रहती है, क्योंकि बहुत जगह पे प्रॉब्लम होती है कि अगर हम कुछ छिड़का नहीं करते गाड़ी में तो वो वारंटी वो लोग ख़त्म कर देते हैं। तो मुझे वो भी चेक करना है कि वो होता है कि नहीं, और मुझे क्या आपको भी पता लग जाएगा कि ये पॉसिबल है या नहीं सर्विस इसमें, ठीक है। वैसे तो फर्स्ट सर्विस है, देखते हैं क्या कर सकते हैं इसमें भी। और एक शॉकअप का भी थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ ग्रीस कम है, इसीलिए वो मुझे झटका जैसा लग रहा था कभी। तो सारी बातें बताऊंगा मैं आपको, अब फिलहाल स्टार्ट करते हैं, चलते हैं। तो ये है हमारा अंधेरी अम्बोली, देखिए रोज़ का यार ये यहाँ पर इतना ट्रैफिक ना रोज़ ही होता है। अपोजिट लेन पर देखिए कितना ट्रैफिक है, ये रोज़ का है यहाँ पे। या तो अभी फ़िलहाल थोड़ा बहुत चलने जैसा गाड़ी लग रही है, वरना तो यहाँ पे भी ट्रैफिक बहुत मिलता है। बाद आज की वीडियो तो ओवरऑल सर्विसिंग के ऊपर ही होने वाली है, मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या कॉस्टिंग लगा है हमें इस पर। वैसे यार सर्विस इतनी ख़ास तो करते हैं नहीं, ये फ्री सर्विस होती है, तो दो चार ग्रीस लगा दिया, थोड़ा ऑयल चेंज कर लिया, उसके पैसे भी हमसे ले लेते हैं, वॉश करके दे दिया हाथ में, ये हो गई तुम्हारी सर्विस। बट मैंने जहाँ तक सुना है यार ये फर्स्ट सर्विस ना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जब आती है गाड़ी हमारे पास में और फर्स्ट टाइम, तो वो कंपनी से ही सारी मैन्युफैक्चर होके आती है, सारा मशीन प्रोसेस होता है मोस्टली, तो ठीक है। तो उसमें कैसा होता है ना, कुछ कुछ चीज़ों पे प्रॉपर जितना दलना चाहिए उतना नहीं दलता है, वो लोग अपने हिसाब से डाल के दे देते हैं फर्स्ट टाइम, एंड देन उसके बाद में सारा काम होता है सर्विस का। तो हमारे लिए जो फर्स्ट की जो फ्री सर्विस होती है ना, वो करवा ही लो तो ज़्यादा बेटर है। और रही बात इसके बाद जो है, मैं आपको सर्विसिंग के बाद मैं आपको परफॉर्मेंस भी बताऊंगा कि बगबैन परफॉर्म क्या कर रही है, माइलेज कितना दे रही है, तो ये परफॉर्मेंस भी मैं आपको डेफिनेटली सर्विस के बाद ही बताऊँगा, ठीक है। तो हम लोग ये भी चेक कर लेंगे, फ़िलहाल मैंने अभी रिसेंटली चेक किया था तो माइलेज मुझे तकरीबन 43-44 का माइलेज मिल रहा था इसका। अब देखते हैं फर्स्ट सर्विस के बाद में हमें कितना माइलेज मिलने वाला है इसके अंदर, ठीक है। ये दिख रहा है सामने, पहुंच गए हम लोग सुजुकी सर्विस सेंटर। अब देखते हैं क्या है, पहले अंदर जाते हैं, पता करते हैं क्या लाइन है, कितने लोग हैं, और मैं आगे फिर आपको बताता हूँ कि हमारी जब गाड़ी सर्विस पर चढ़ेगी तब मैं आपको थोड़ा बहुत उसका आइडिया दे दूँगा। तो चलते हैं, अभी फ़िलहाल देख लेते हैं। तो भाई बात कुछ ऐसी हो गई कि उन्होंने भगा दिया हमें वहाँ से, एक्चुअल भगाया नहीं है, असल में प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने बताया कि अगर आप अभी छोड़ते हो गाड़ी हमारे पास में तो आपको मिलेगी शाम के टाइम, शाम 6-6:30 बजे के टाइम पे। मैंने कहा यार एक तो अभी बज रहा है, तुम 6 घंटा लोगे गाड़ी सर्विस करने के लिए। तो उनका कहना था कि यार 1 से 2 हमारा ब्रेक होता है, और लंच ब्रेक के बाद में वो लोग 2 बजे गाड़ी अंदर ले गए, उसके बाद में गाड़ी का काम होएगा। मतलब 6-6:30 बजे तो बोलना है उनका, वैसे 2 बजे अगर गाड़ी अंदर लेते हैं तो एटलीस्ट मेरे को 1 घंटे में या 1.5 घंटे में एटलीस्ट गाड़ी मिल जानी चाहिए, बट वो लोग एक एवरेज टाइम बताते हैं कि इतने टाइम पर आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई है वहाँ पर। अब मुझे जाना भी था एक जगह पर, तो मैंने उनको यही बोला कि एक काम कर लो, आप डिटेल्स ले लो मेरी सारी, जब तक आपका लंच ब्रेक होगा तब तक मैं मेरा एक छोटा काम है वो निपटा देता हूँ, एंड देन उसके बाद में आप जो है 2 बजे गाड़ी मेरी अंदर ले लेना और आप काम कर लेना। तो उनका यही कहना था कि बोले ठीक है, बोले अगर आप 2 बजे आ जाओगे तो गाड़ी आपको शाम में मिल जाएगी, आप ले जाओ गाड़ी को। तो यही सोच के मैंने जो है उनसे गाड़ी ले ली, और ये काम जो है फटाफट निपटा कर मैं जोगेश्वरी जाकर उनको गाड़ी दे दूंगा। तो हम लोग जा रहे हैं विक्रोली, और विक्रोली क्यों जा रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल में मुझे किस मोबाइल लेना है किसी के लिए, और मतलब फैमिली मेंबर के लिए मोबाइल लेना है, और वहाँ पे शॉप है जहाँ पे कुछ ऑफर्स वगैरह चल रहा है, तो मैं वहाँ से जाके मोबाइल लेने वाला हूँ अभी। बस वही एक रीज़न है जिसके लिए मुझे जाना है विक्रोली, और इससे पहले मैं शायद 1 या 2 बार गया हूँ वो भी किसी काम से,
अब देखते हैं, 35 मिनट्स तो यहाँ से बता रहा है हमें, कितना टाइम लगेगा वो अलग बात है क्योंकि ट्रैफिक भी इतनी है, सिग्नल्स पे भी लोग रुके हैं, तो देखते हैं अभी कितना टाइम लग सकता है। पेट्रोल अभी जस्ट फिल किया है मैंने, मैं सोच रहा था कि मैं पेट्रोल नहीं डलाऊंगा क्योंकि सर्विस पे जाने वाली है गाड़ी और वहाँ पे वो लोग थोड़ा पेट्रोल वगैरह यूज़ करते हैं, मुझे जहाँ तक लगता है सर्विस के लिए। नहीं करते तो अच्छी बात है, बट मुझे ऐसा लगता था कि करते हैं, तो मैंने इसीलिए पेट्रोल नहीं डलवाया था। बट अभी मुझे विक्रोली जाना था तो मैंने थोड़ा भरवा लिया है 105 का, इसमें मैं जाके भी आ सकता हूँ और पेट्रोल बचेगा भी अच्छा खासा। तो जैसे मैंने बताया कि बगमैन अभी दे रही है 43-44 किलोमीटर, तो मैंने उनसे पूछा भी कि कुछ चेंजेस होएंगे सर्विस में, आई मीन नॉट सर्विस में बट एवरेज वगैरह में कुछ चेंजेस होगा क्या, तो उन्होंने बताया कि वैसे चेंजेस तो होता नहीं है, वही है जो मिलता है, बट वो हम लोग टेस्ट कर लेंगे एक बार, हम लोग देख लेंगे क्या क्या परफॉर्मेंस देती है। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह बाइक बहुत अच्छे से भागती है, बहुत अच्छे से चलती है। और रही बात आफ्टर सर्विस की, तो उसके बाद भी हम लोग एक बार ट्राई कर लेंगे इसको, थोड़ा भगा लेंगे, थोड़ा देख लेंगे, एवरेज चेक कर लेंगे क्या देती है, क्या क्या चेंजेस आया, तो सब देखना बाकी है। जो शॉकअप प्रॉब्लम था वो भी मैंने बता दिया उनको, तो वो देख लेंगे। बस वो ये कह रहे थे कि ये जो लगाया है आपने, ये प्रेशर से टूट गया तो वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तो मैंने उनको वही बताया कि यार अगर कर सकते हो तो आप वहाँ पे प्रेशर कम कर दीजिए, या फिर वहाँ पे आप प्रेशर मारिए ही मत अगर उसको चांसेस है टूटने के, तो क्योंकि ये बहुत महंगा है भाई, सस्ता नहीं है, बहुत महंगा है। और तो उन्होंने बताया कि ठीक है देख लेंगे। वैसे मैं तो यही कोशिश करूँगा कि मैं वहाँ पे रहूँ सर्विस के टाइम और कुछ चीज़ें सर्विस की रिकॉर्ड कर सकूँ, बता सकूँ उनको, तो ट्राई करेंगे, अगर पॉसिबल हुआ तो ठीक है, नहीं पॉसिबल हुआ तो फिर वेटिंग एरिया में देखना पड़ेगा। मैं इनको लेके मेरे प्लान्स जो है वो मैंने बताया था आपको कि मुझे लॉन्ग टूर प्लान करना है। तो पहले तो सबसे पहले मैं अभी तो रमज़ान स्टार्ट होने वाला है, सो इंशाल्लाह रमज़ान में तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा निकलना, बट मैं ट्राई करूँगा कि मैं शॉर्ट वीडियोस कुछ बना सकूँ, और अगर वो पॉसिबल नहीं हुआ तो फिर मतलब कुछ ना कुछ तो ट्राई करूँगा यार, ऐसे खाली नहीं छोड़ूंगा, हर वीकेंड में कुछ ना कुछ तो आपको दिखाऊँगा, भले ही वो शॉर्ट वीडियो हो या जो भी हो, मैं दिखाऊँगा ज़रूर। तो एक वो चीज़ है, और उसके बाद में डेफिनेटली प्लान्स स्टार्ट हो गए मेरे। और ऐसा नहीं है कि मुझे जो है लंबे लंबे टूर से ही स्टार्ट करना है, पहले मैं छोटे छोटे टूर से स्टार्ट करूँगा, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे लोग ट्रैवल करते हैं मुंबई टू लोनावला, मुंबई टू लवासा, ये सब। और निकल गए हैं हम लोग सर्विस स्टेशन से, अब जाना है घर। खाने का भी टाइम होके गया यार, खाना भी नहीं खाए है, बस जूस पिए है, जूस पे ज़िंदा है। कोई नहीं, अभी पहुँचेंगे घर, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा घर पहुँचने। और सर्विस हो गई है बहुत अच्छे से, मैं वहीं पर ही था सर्विस के टाइम, मैंने चेक किया, ज़्यादा कुछ इतना काम हुआ नहीं है फर्स्ट सर्विस पे। चेंजेस सिर्फ यही हुए कि ऑयल चेंज किया उन्होंने और ऑयलिंग वगैरह की, जो भी करना था बस, उसके अलावा और कुछ नहीं। सो ठीक है, फर्स्ट सर्विस तो यार वो उतना ही एक्सपेक्ट कर सकते हो आप, फ्री सर्विस में सारा उतना ही एक्सपेक्ट करोगे, उससे ज़्यादा नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, ठीक है। और रही बात आगे की, तो जब पेड सर्विस होगी तो उस टाइम पे जो है नॉर्मल बाहर लोकल मार्केट में जो होता है उनसे ही करवाना पड़ेगा। तो फ़िलहाल के लिए जो था वो यही था, और मैं आपको बताऊंगा कि कितना ओवरऑल कॉस्ट हुआ है, किसका अमाउंट हम लोगों ने पे किया है, क्या क्या चीज़ें फ्री थी, फ्री मिली है हम लोगों को, फ्री इन द सेंस जो ऑयलिंग वगैरह जो होती है वो, एंड ये जो मिरर लगे है और ये जो मोबाइल होल्डर लगा है, इसका कुछ नुकसान है लगाने का या नहीं, वो भी एक बार चेक कर, वो भी मैं आपको बताऊँगा अभी। तो उसमें क्या हुआ है कि जब मैं पहुंचा इनके पास तो मैंने उनसे पूछा ये बात पहले कि ये चीज़ है, कोई नुकसान तो नहीं, जो मैकेनिक थे जो कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि नहीं उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, सब चलता है यहाँ पे। बट उन्होंने एक चीज़ बताई कि इनकेस अगर वो
कुछ उसमें से सर्विस करते टाइम अगर कुछ चीज़ें ख़राब होती है तो फिर उसके ज़िम्मेदार हम लोग नहीं है, वो आफ्टर मार्केट है। तो अगर कुछ होगा, कुछ टूटेगा या कुछ ख़राब होगा तो उसकी ज़िम्मेदारी हमारी नहीं होगी। तो ये एक ड्रॉबैक है इस चीज़ का। फिर भी मैंने उनको यही बोला था कि जितना भी हो सके उतना संभाल के आप सर्विस करो, वॉश भी कर रहे हो तो आप संभाल के वॉश करो। एंड रही बात ये जो मिरर है जो मैंने लगवाया है ये थोड़े महंगे, तो मैंने इनको बोला था उनको कि इस पर कुछ भी तरीके से प्रेशर वेशर मारना नहीं, ठीक है, भले ही आप ऊपर का वॉश मत करो। और बस ये चीज़ थी, तो मैंने उनको बोला तो उन्होंने वहाँ पे वॉश किया नहीं है। सो अभी देख सकते हो टोटली वॉश है, आगे का ऊपर का छोड़ दिया है जस्ट बिकॉज मैंने उनको बोला था छोड़ने के लिए। यही था, बाकी मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना कॉस्ट गया है हमारा टोटल और किस चीज़ का कॉस्ट था और जो एक्स्ट्रा चार्ज हुआ है वो किस चीज़ का एक्स्ट्रा चार्ज इन्होंने लिया है, ठीक है। तो मैं आपको घर पहुँच के बताता हूँ सारी चीज़ें कि क्या क्या कॉस्टिंग लगेगी इसकी। अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गया है घर, बाइक भी हो गई है पार्क और फिलहाल मैं आपको बताता हूँ जो मैंने बोला था कि मैं सर्विस का कॉस्ट बताऊंगा आपको कि क्या सर्विस कॉस्ट हुई है, ठीक है। और सर्विस के साथ में एक और चीज़ थी जिसके लिए मैं विक्रोली गया था, मैंने बताया था आपको कि मैं विक्रोली किस चीज़ के लिए जा रहा हूँ, फ़ोन के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी ले लिया हमने। तो पहले मैं आपको बताता हूँ सर्विस का कॉस्ट। तो सर्विस जो हुई है हमारी टोटल, एक मिनट, हाँ तो सर्विस हुई है हमारी टोटल, उसका कॉस्ट हमें पड़ा है, देखिए ये पड़ा है 410 रुपये। अब 410 रुपये में भी कैसे पड़ा है, ये इन लोगों ने एक ऑयल चेंज किया है, ठीक है, एक ऑयल चेंज किया है, एक स्टार का ऑयल डाला है, 258 रुपीज़ प्राइस है, बट 258 रुपीज़ उसका प्राइस डाला है और 100 रुपये का कुछ लेबर चार्ज डाला है इन्होंने। यहाँ पे लिखा है 89 रुपीज़ बट इन लोगों ने बताया कि 100 रुपये का लेबर चार्ज है, ठीक है। उसके ऊपर CGST HGST लगा के आपको मिल गया है ये 410 का बिल। सो ये रहा फर्स्ट सर्विस का बिल, 410 टोटल कॉस्ट। अब पता नहीं नेक्स्ट सर्विस में सेम होगा या क्या होगा, बट ये है जो है ये है, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो आपको बतानी थी मुझे वो है, एक सेकेंड, वो रहा ये तो ये लेने गया था मैं, और ये न्यू मॉडल है, न्यू पीस है, iPhone 13, ठीक है, टोटली न्यू है, बॉक्स गंदा है थोड़ा, बस न्यू है ये, मुझे विक्रोली में मिला नहीं, तो मेरे फ्रेंड की शॉप है मोबाइल की, मैंने उससे ये ख़रीद लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये मुझे देना है, ये गिफ्ट बेसिकली करना है मेरे फैमिली मेम्बर को, तो ठीक है ले लिया है अल्हम्दुलिल्लाह, पहुँच गया अल्हम्दुलिल्लाह, मोबाइल ले लिया। तो ऐसे ही नमाज़ पढ़ो, अल्लाह कामयाबी देता रहेगा। बस आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और दुआओं में याद रखना।